तो रियलिटी शो जो टैग है मुझे नहीं। तो गाइस हमारे था यूके 07 राइटर के छोटे भाई क्लेमिंग भाई बिग बॉस से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं एंड साथ में गाइस हमारे बाबू भाई बिग बॉस 17 के अंदर गए हुए हैं एंड जिनको नहीं पता है हमारे बाबू भैया के साथ थोड़ा सा अनफेयर गेम खेला जा रहा है एंड साथ में इसी चीज पे हमारे क्लेमिंग भाई थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं एंड आप लोग एक बार वो क्लिप देख लो। हेट और प्यार को साइड रख के क्लियरली जवाब देना, बिग बॉस ने अनुराग को कहा कि आप दिखते नहीं हो, हम आपको क्यों दिखाएं। तो भाई अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप होशियारी से बातें करोगे, इंटेलेक्चुअल बातें करोगे, ये बोलोगे कि मुझे लड़ाई में नहीं पड़ना है तो आप नहीं दिखाओगे, तो रियलिटी शो जो टैग है मुझे नहीं लगता वो होना चाहिए। क्योंकि अगर रियलिटी में आपके घर में खाना खत्म हो रहा है या आपके परिवार में खाना खत्म हो रहा है, मुझे नहीं लगता यार आप ऐसे लड़ोगे वहां पे जाके, है ना। अंकिता लोखंडे से मिलने आई कंगना रनौत, पहले ही बोल दिया यू आर फेवरेट, तो 15 के दिमाग में तो ये घुस गया भाई और जनता के दिमाग में ये घुस गया यार कंगना की ये फेवरेट है तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब जनता यहाँ पे मैनिपुलेट हो गई कि ये हमारी फेवरेट है। दूसरों से बात आ जाते हैं 24 में जो उस दिन का एपिसोड पड़ा हुआ है ना, क्योंकि यार देखो मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, मैं इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। हेट पड़ रही है, गालियां पड़ रही है, जो है वो आपका दिल है, ऊपर वाला सब देख रहा है। कंगना रनौत अंदर आती है, उस दिन का एपिसोड में भी है जब डांडिया और होता है ना, तो कंगना अंकिता को साइड में ले जाके कुछ कान में बोलती है, मुझे तो नहीं लगता हाल चाल बता रही होगी कि ये है वो है, बाहर की बातें बता रही होगी ना कि बाहर ये चल रहा है, ऐसे कर ये कर वो कर, तो तब आपका कहां है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई यूट्यूबर बाहर की बातें बता दे, पिछले एपिसोड पिछले सीजन में भी ऐसे भाई जब बाहर की बातें कोई बाहर वाला आके बताता है तो आप चिल्ला देते हैं ये गलत हो रहा है, बिग बॉस चाहते हैं यहाँ आ जाए वहां आ जाए, तो उस टाइम ये क्यों नहीं हुआ। तो यार यही चीजें बोलूंगा कि जो चीजें दिखाई जा रही है यूट्यूबर्स को जैसा दिखाया जा रहा है, अभी आप खुश हो रहे हो ठीक है भाई ये है वो है, पर आने वाले सीजन्स में या कुछ आगे जाके आपके क्रिएटर पे भी बात आएगी, तब आपको समझ आएगा कि कैसा दिखाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई की गलती नहीं है, गलती है, बट अपनी गलती भी मानिए कि यूट्यूबर्स को एंड में दिखाया जा रहा है, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे लड़ते रहे कैमरे के लिए तभी हम आपको दिखाएंगे, तो वो तो एक कॉमन बंदे से जो आया है मिडिल क्लास से आया है या किसी भी घर पे, मुझे नहीं लगता इतनी छोटी मोटी बातों पे कोई लड़ेगा और कैमरे के लिए। एंड यस गाइस जो भी हमारे क्लेमिंग भाई ने बोला आप सबका इस चीज पे क्या ओपिनियन है आप लोग मेरे को कमेंट्स करके जरूर से बताना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं था यूके 07 राइडर के बारे में। तो गाइस आप सबको पता होगा हमारे था यूके 07 राइडर भाई रैंडमली बात कर रहे थे कि बिग बॉस 17 ने मेरे को एंट्री पे डांस नहीं कराया एंड वो सारे टीवी एक्टर्स को थोड़ा अच्छी तरह से दिखा रहे हैं एंड साथ में हम थोड़े यूट्यूबर्स को थोड़ा नॉर्मल घटिया तरह मान रहे हैं एंड साथ में यार इस चीज को आपको पता है बिग बॉस सुन के थोड़ी बेइज्जती तो करता है, बट वहां पे सलमान भाई शनिवार के वार में दायू के जरिए सामने राइडर भाई को उठा के बोलते हैं चलो तुम डांस करके दिखाओ एंड वो साथ में गाना बजाते हैं एंड साथ में भाई हमारे दायू के जरिए सामने राइडर भाई से कोई खास डांस नहीं होता है एंड साथ में वो नील भट्ट को भी उठाते हैं एंड भाई नील भट्ट भाई लिटरली उस पर बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस देता है। तो चलो गाइस कोई ना, एंड गाइस अगर आप लोग मैं बताऊं अगर भाई नील भट्ट को बोला जाएगा तुम राइडिंग करो तो गाइस क्या नील भट्ट राइडिंग कर लेगा। एंड आप लोग नील भट्ट को छोड़ो, आप लोग कोई से भी क्रिएटर की बात करो दायू के जरिए सामने राइडर को छोड़ के, क्योंकि वो तो राइडर है। एंड अगर आप लोग यही बात दायू के जरिए सामने राइडर को बोलते हो कि तुम राइडिंग करो तो गाइस हमारे दायू के जरिए सामने राइडर तो करेंगे ना, क्योंकि भाई जिसका जो काम है यार वो तो वो करता ही है ना। एंड भाई पता नहीं यार बिग बॉस हमारे दायू के जरिए सामने राइडर भाई को गिरा के क्या दिखाना चाहता है। एंड गाइस अगर हमारे दायू के जरिए सामने भाई लिटरली भाई नॉमिनेट भी होते हैं तो गाइस हम लोग उनको भाई पूरा बचाएंगे। एंड भाई जो यार सलमान भाई ने जो भी बोला यार हमको थोड़ा बुरा तो लगा है एंड जितने हमारे दायू के जरिए सामने राइडर के फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं तो यार प्लीज से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।